the topic is magnetic field due to current carrying wire magnetic field due to current carrying wire अभी जो हमने फार्मूला डिराइव किया है प्रीवियस वीडियो में देखो ये फार्मूला था जिसमें वो अल्फा और बीटा आ रहे हैं फिर से बना देता हूं मैं डायग्राम एक एंगल अल्फा है दूसरा बीटा है ये डिस्टेंस एक्स है ये नाइनटी डिग्री का एंगल है करेंट है आई सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बेस्ड हम कुछ केसेस पढ़ सकते हैं जैसे कि इनफाइनाइट वायर हो जाए तो क्या होगा तो सबसे पहले लिख लो इनफाइनाइटली लोंग वायर उसके लिए क्या हो जाएगा देखो जैसे कि ये वायर है दोनों एंड्स इनफाइनाइट में होंगे इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है या ऐसा देख लो कि एक वायर है पॉइंट उसके बहुत नजदीक आ गया है जहां पे हमें फील्ड निकालना है तो उसके इसमें अल्फा और बीटा दोनों ही नाइंटी हो जाएंगे करंट सपोज आई सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाए इंटू आई साइन नाइन्टी प्लस साइन नाइन्टी ये वन प्लस वन हो जाएगा बाद में और फिर उसको हम टू लिख सकते हैं सो म्यू नॉट आई इंटू टू बाय फोर पाई एक्स सो टू टू कैंसिल सो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स ये आ गया फॉर्मुला इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का उसी तरह से देख सकते हैं सेमी इनफाइनाइट का सेमी इन्फाइना इन्फाइनाइट में क्या होता है एक एंगल तो अल्फा है और दूसरा एंगल 90 हो जाएगा सो वन एंगल इज अल्फा बट बीटा इज 90 डिग्री तो उसके इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो नॉट बाय फोर पाए इन टू आई साइन अल्फा प्लस साइन नाइनटी होल अपॉन एक्स म्यू नॉट आय बाय फोर पाए एक्स साइन अल्फा प्लस वन ये हो गया है सेमी इनफाइनाइट नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर तो इसमें देखो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल बहुत ही आसान सा रूल है जैसे कि ये करंट है सपोज पॉइंट यहाँ पर है सो so, हम क्या करेंगे राइट right हैंड का थंब इस वायर के अलोंग मतलब करंट के अलांग हम प्लेस करेंगे और जो पाम है राइट हैंड पाम है उसको ये पॉइंट की तरफ रख देंगे लाइक like जैसे कि ये वायर है और ये थंब को मैंने करंट के अलांग रख दिया और अब ये जो पॉइंट है वहां पे मैंने राइट हैंड पाम रख दिया और उसको कर्ल करना है लाइक like दिस इस तरह से कर्ल करना है तो ये फिंगर्स को देखो किस साइड कहां जा रही है अंदर की तरफ जा रही है ठीक है ना इनवर्ड तो इस पॉइंट पर फील्ड की क्या डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड तो हम लिख देता हूं क्रॉस और अगर पॉइंट लेफ्ट की तरफ आ जाए तो यहां पर अगर मैं राइट हैंड का देखूं थम्ब करंट के तो आ गया थंब लाइक दिस और ये पॉइंट है लेफ्ट की तरफ इसको जब मैंने ऐसे कर्ल किया तो ऊपर की तरफ कर्ल हो रहा है देखो तो यहां field आ जाएगा आउटवर्ड को हम लिखते हैं डॉट से ठीक है अच्छा और देखो सपोज ये वायर ऊपर की तरफ है मतलब करंट ऐसा है पेन के अलॉन्ग है करंट करेंट इज आउटवर्ड आउटवर्ड टू पेपर तो अब डॉट है ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की तरफ ऐसे करंट आ रहा है और पॉइंट आ गया राइट right साइड तो अगर अब मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो कैसे होएगा? देखो ये आ गया लाइक दिस थंब हो गया है करंट के अलॉन्ग और ये राइट हैंड पाम को मैंने ये पॉइंट के तरफ रख पॉइंट किया लाइक like दिस और ऐसे कर्ल किया तो अब कर्ल कहाँ जाएगा नॉर्थ की तरफ जाएगा तो यहां पर जो अब मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ की तरफ हो गया है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसी तरह से देख सकते हो अगर पॉइंट करंट के नीचे साइड आ गया साउथ साइड आ गया तो उसके में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ईस्ट वर्ड कोई और डायरेक्शन में देख लो तो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस सो कहने का मतलब वायर को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर आता है मैग्नेटिक फील्ड और राइट हैंड थंब रूल से हम उसका डायरेक्शन बता सकते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो सर्कुलर शेप रहता है उसका लाइक like दिस ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसा सर्कल बना देते हैं सो so, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा टेंजेंशियल दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ये जो फील्ड लाइन हमने बनाया सर्कुलर फील्ड लाइन है और किसी भी पॉइंट पर देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा Magnetic field line is circular such that current wire passes through center and perpendicular to plane of circle. मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा टेंजेंशियल होगा देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू फील्ड लाइन फील्ड लाइन जो है सर्कल है करंट के अलोंग ठीक सकते हुँ. अभी देखो जैसे कि करंट इनवर्ड जा रहा होगा तो उसके राउंड में एक लाइन बना देता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अभी देख सकते हो यहां पर फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे की तरफ साउथ यहां वेस्ट की तरफ हो गया यहां ईस्ट like की तरफ नॉर्थ लाइक दिस फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी सो so, ये डायरेक्शन की और बातें करेंगे हम बाद में अभी न्यूमेरिकल्स पर फोकस करते हैं बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूं जैसे कि एक वायर है जिसमें करंट है टू एम्पियर वायर से वन सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है और अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया है 37 और 53 डिग्री नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी बी का वैल्यू है म्यू नॉट बाय फोर पाए इंटू आई इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय एक्स और एक्स की वैल्यू है वन सेंटीमीटर तो टेस्ला में आंसर आएगा

थ्री बाई फाइव प्लस फोर बाय फाइव ये हो जाएगा सेवन बाई फाइव सो फोर्टीन बाई फाइव हो जाएगा into टेन एस टू माइनस फाइव टेस्ला 2.8 पॉइंट एट इंटू to minus टू tesla टेस्ला अच्छा डायरेक्शन क्या हो जाएगी इन्वर्ट हो जाएगी देख सकते हो राइट हैंड थम रूल लगा देंगे थम को रख दो राइट हैंड का थम करंट कहलाउ और कर्ल करो पॉइंट के जो टिप ऑफ फिंगर है उसको पॉइंट पी में रख के कर्ल करना है तो कर्ल करने के बाद डायरेक्शन आई इनवर्ड इनटू पेपर पेपर का जो प्लेन है अंदर की तरफ ऐसा लाइक like दिस ये फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी लाइक दिस नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक वायर को मैंने वैसे तो कहने को इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बट उसका एक एंड मुझे मालूम है और पॉइंट यहां पर है देखो एंड ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ले रहा हूं टू सेंटीमीटर करेंट की वैल्यू है वन एम्पियर और जो दूसरा एंड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है सो so, इस केस में अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर तो so, अल्फा की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगा बीटा का वैल्यू नाइन्टी हो जाएगा सो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाए इंटू आई इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय एक्स टेन रेस टू माइनस सेवन इंटू वन इंटू साइन जीरो प्लस साइन नाइनटी

और डायरेक्शन देख सकते हो इन्वर्ट आ जाएगा राइट हैंड थंब रूल से इन्वर्ट डायरेक्शन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन एक वायर है उसका एक एंड इन्फाइनाइट डिस्टेंस पर है दूसरा एंड के लिए एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री थ्री एम्पियर करंट है और डिस्टेंस हम ले लेते हैं वन सेंटीमीटर तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा तो मैं डायरेक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख देता हूं अल्फा हो जाएगा सिक्सटी बीटा होएगा 90। सो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट बाय फोर पाए आई साइन सिक्सटी प्लस साइन नाइनटी होल अपॉन टेन डेज टू माइनस टू इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा वायर है जिसका एक एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है बट जो पॉइंट है उसके दूसरे एंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है ऊपर है पॉइंट यहां पर है पॉइंट देखो ध्यान से और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री सो ध्यान से देखो अगर ये पॉइंट यहां पर होता तब तो अल्फा हम जीरो लेते यहां पर आ गया है पॉइंट तो अल्फा अब हम क्या लेंगे और बीटा क्या लेंगे वो भी देखना है सो so, जो दूसरा एंड है ये वाला एंड है ये तो इनफाइनाइट पर है तो बीटा तो कंफर्म है 90 डिग्री होगा बीटा अल्फा हो जाएगा माइनस ऑफ सिक्सटी डिग्री माइनस क्यों ले लिया बिकॉज जैसे कि पॉइंट पी है पी से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं तो फॉर्मले में मैं फिर उसको रखूंगा प्लस अल्फा बट अभी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम चले गए हैं मतलब डेरिवेशन uh, में जो हमने अल्फा लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको -60 लेंगे सो so, अब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मे नॉट बाय फोर पाई आई इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल अपॉन एक्स सो दट इजन रस टू माइनस सेवन इंटू करेंट इंटू साइन ऑफ माइनस सिक्सटी प्लस साइन नाइंटी होल अपॉन एक्स सो टेन एस टू माइनस सेवन इंटू करेंट इंटू माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस वन होल अपॉन एक्स यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज वायर ऐसा हो जाए इसका ऊपर वाला एंड तो इन्फिनिटी पर है और दूसरा एंड फाइनाइट पोजिशन पर है और पॉइंट यहाँ पर है देख सकते हो अब मैं ये दोनों एंगल नहीं इसकी बात कर रहा हूं देखो ध्यान से यहां मैंने 60 दे दिया, और ये करंट है तो ध्यान से देखना ये अगर 60 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 30 हो जाएगी और अल्फा कितना होगा 90 हो जाएगा सो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट पर मे नॉट अपॉन फोर पाय आय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन एक्स सो ये हो जाएगा मे नॉट अपॉन फोर पाए इंटू करेंट इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय एक्स और इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे अब एक मैं एक ऐसा वायर ले रहा हूँ जो बैंड है बीच से जैसे कि देखो ध्यान से एक वायर ऐसा हो जाएगा और इसी वायर इन्फाइन वायर को मैंने इसे बैंड कर दिया था लाइक like दिस तो ये वाला एंड इन्फाइनइट डिस्टेंस पर है ये वाला एंड भी इन्फाइन डिस्टेंस पर है और जो मुझे फील्ड चाहिए वो यहाँ चाहिए ध्यान से देखो ये डिस्टेंस है वन सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है वन सेंटीमीटर करंट की वैल्यू है वन एमपियर ये एरो गलत हो गया एरो ऐसा होना चाहिए ये है करंट, ऐसा आ रहा है यहां से ऐसे आया करंट, लाइक दिस और ऐसे चला गया सो so, इसका नाम देता हूं मैं पी क्यू आर अब ये पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो दो पार्ट्स में हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू इज इक्वल टू अब ध्यान से देखना उसके लिए अल्फा 45 डिग्री हो जाएगा दिस एंगल इज 45 ये पूरा स्क्वायर बन रहा है और बीटा हो जाएगा 90 तो हो जाएगा म्यूनॉट बाय फोर पाए करेंट करेंट इन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय वन इंटू टेन एस टू माइनस टू टेन एस टू माइनस सेवन इंटू करेंट इंटू वन बाय रोट टू प्लस वन होल डिड बाय टेन एस टू माइनस टू टेस्ला और डायरेक्शन क्या हो जाएगी देख सकते हो इन्वर्ट हो जाएगा क्यू आर की डायरेक्शन भी इन्वर्ट होगी उसको भी मैं सेपरेटली निकाल लेता हूँ मैगनीटी फील्ड क्यू आर यहां भी अल्फा क्या हो जाएगा 90 बीटा हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री तो ये पूरा वैल्यू सेम आ जाएगा अब और नेट फील्ड हो जाएगा वेक्टर सम दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनवर्ड सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ टेन एस टू तो माइनस सेवन इंटू वन बाय रोट टू प्लस वन बाय टेन एज टू माइनस टू टेस्ला इनवर्ड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जिसमें 90 डिग्री का बैंड नहीं है 120 डिग्री का बैंड है ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा देखो यहां से मैंने एक बाइसेक्टर बना दिया लाइक like दिस ये एंगल 60 हो जाएगा ये 60 और ये डिस्टेंस है वन सेंटीमीटर यहां पर मुझे फील्ड चाहिए करंट है वन एम्पियर तो सबसे पहले तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा लाइक दिस यहां पर भी ये हो जाएगा हमारा एक्स देख सकते हो एक्स बाय इक्वल टू साइन सिक्सटी तो एक्स हो जाएगा रूट थ्री बाय टू सेंटीमीटर सिमेट्री से देख सकते हो जो वायर पी क्यू का मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर क्यू आर का भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा डायरेक्शन भी सेम रहेगी इन्वर्ट होगी डायरेक्शन तो मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर पी क्यू पी क्यू का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो हो जाएगा टू टाइम्स मोनॉट बाई फोर पाए करेंट इन टू अब अल्फा बीटा पहचाना है तो देखो एक एंगल तो थर्टी हो गया और दूसरा 90 हो जाएगा तो अल्फा को थर्टी ले लेंगे बीटा हो जाएगा नाइन्टी सो साइन थर्टी प्लस साइन नाइनटी होल डिवाइडेड बाय एक्स एक्स है रूट थ्री बाय टू टू इंटू म्यूनोट बाई फोर पाए इंटू वन बाई टू प्लस वन होल अपॉन एक्स जो कि है रूट थ्री बाय टू इसे और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं टू म्यूनोट बाई फोर 2 थ्री बाई टू बाई टू फिर ये हम और फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे